हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ अनीता और आप सबका बहुत स्वागत है ममाज वर्ल्ड में। आज मैं आप लोगों के साथ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाली हूँ। वो टॉपिक है कि अगर आपका बच्चा खाना नहीं खा रहा है तो आपको क्या करना चाहिए। तो एज अ मदर मैं खुद जानती हूँ कि अगर बच्चा खाना नहीं खाता है तो हम कितना परेशान होते हैं, चाहे मदर हो चाहे फादर हो, मतलब एज अ पेरेंट आप बहुत परेशान होते हो। और इसके लिए मैं आज आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, इंपॉर्टेंट टिप्स बताऊँगी जिससे कि आपका बच्चा जो है खाना खा सकता है या खाना खाना स्टार्ट करेगा। या अगर आपको बेबी अभी सॉलिड्स आपने स्टार्ट नहीं किया है तो ये गाइडलाइंस आपको ध्यान में रखना है जब आप अपने बच्चों को खाना खिलाना चालू करेंगे। तो ये वीडियो स्टार्ट करते हैं, तो पूरा वीडियो देखिए एंड तक ताकि आपको पूरी जानकारी मिले, क्योंकि आधी अधूरी जानकारी सेहत के लिए हानिकारक होती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो सबसे पहला पॉइंट है कि राइट टाइम टू स्टार्ट सॉलिड्स फॉर योर बेबी, यानी कि सही एज में सही टाइम पे बच्चों को खाना स्टार्ट कर दीजिए। एक बेसिक गाइडलाइन होती है डॉक्टर्स के और मेडिकल के हिसाब से कि 6 महीने का बेबी होते ही आपको बच्चों को सॉलिड्स में स्टार्ट करना है। लेकिन कुछ बच्चे होते हैं जो 4 या 5 महीने में भी वो कुछ आपको सिग्नल्स दे देते हैं जिससे कि आप तब भी अपने बेबी को सॉलिड स्टार्ट करते हो, या तो आपको 6 महीने में स्टार्ट करने ही है। ये गाइडलाइन इसलिए होती है कि बच्चों की जो डेवलपमेंट होती है तो 6 मंथ तक के एज पर उतनी हो जाती है कि वो जो सॉलिड्स को खा सकते हैं, सॉलिड्स को ले सकते हैं। और राइट टाइम पे अगर आप कोई भी चीज़ मतलब राइट टाइम पे आप उनको खाना खिलाओगे तो वो ज़रूर उनके लिए हेल्पफुल हो जाती है कि उनको वो एक आदत डालना, उनके लिए एक आदत में आ जाना। क्योंकि बच्चे जो है बहुत ज़्यादा हैबिट्स बहुत जल्दी पकड़ लेते हैं या बहुत जल्दी वो सीख जाते हैं चीज़ें जो छोटे बच्चे होते हैं वो, तो राइट टाइम पे राइट चीज़ें उनको सिखाना ज़रूरी होती है। सिमिलरली राइट टाइम पे उनको सॉलिड स्टार्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको थोड़ा रिसर्च करना है कि वॉट इज़ द राइट फूड एट राइट एज, यानी कि 6 महीने का अगर आपका बेबी है तो 6 महीने के बच्चे को क्या खिलाना चाहिए, इसका आपको नॉलेज होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि अगर आप सही फूड नहीं खिलाओगे बच्चे को तो हो सकता है कि आपका बच्चा खाना नहीं खाएगा या वो खाना नहीं खाना चाहेगा। मतलब इसके लिए आपको थोड़ा रिसर्च करना ज़रूरी है। अपार्ट फ्रॉम घर पे हमारे बुज़ुर्ग होते हैं वो भी हमें बताते हैं, लेकिन इसके अलावा ज़रूरी होता है कि आप खुद भी थोड़ा रिसर्च करो, खुद स्टडी करो कि क्या चीज़ें होती है जो स्टार्टिंग में आप बच्चों को दे सकते हो, जो बच्चों के फर्स्ट फूड में आते हैं। तो वो चीज़ों को थोड़ा पढ़ के आपको राइट फूड एट राइट एज अपने बच्चों को देना है। उसके बाद में नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है राइट फूड फॉर्म। ये बहुत ज़रूरी पॉइंट है, बिलीव मी, अगर आप सही फॉर्म में खाना नहीं बनाओगे बच्चे के लिए तो आपका बच्चा बिल्कुल खाना नहीं खाएगा। अगर वो फॉर्म उसको अच्छा नहीं लग रहा है, मतलब सपोज़ कि कोई चीज़ है आपने बहुत ज़्यादा लिक्विड बनाई या बहुत थिक बनाई स्टार्टिंग में ही और उसको वो नहीं खा पा रहा है, तो नेक्स्ट टाइम आप दोगे तब भी वो उसको लगेगा कि नहीं ये मेरे लिए नहीं बनी है तो वो नहीं खाएगा। तो एक राइट फॉर्म अपने बच्चों को लेना बहुत ज़रूरी होता है। तो आपको स्टार्टिंग में जब आप फूड दे रहे हो, नया नया फूड दे रहे हो बच्चों को, तो अलॉन्ग विथ फूड जो आप दे रहे हो उसके साथ में जो फॉर्म में आप बच्चे को खाना दे रहे हो वो भी आपको ट्राई करना ज़रूरी है कि किस फॉर्म में आपका बच्चा खाना पसंद कर रहा है। और आपको थोड़ा रिसर्च भी करना है कि किस फॉर्म में बच्चे को खाना खिलाना चाहिए एज के हिसाब से। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। उसके बाद में नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है कि वैरायटी इन बेबी फूड एंड बेबी फूड टेस्ट। तो आप बेबी को जो भी फूड दे रहे हो, चाहे आपका बेबी किसी भी एज का हो, चाहे 6 मंथ का हो, चाहे 1 साल का हो, चाहे 2 साल का हो, या उसके ऊपर भी, इवन आप अपना देखो, हम खुद भी अगर सेम फूड हमें रोज़ वही दाल चावल अगर आप तीनों टाइम पे खा रहे हो तो क्या आपको वो खाना अच्छा लगेगा, नहीं ना। तो सिमिलरली बेबीज़ को भी वैरायटी ऑफ फूड्स अगर आप दोगे तो बेबीज बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं खाना उसको और उनको बहुत अच्छा लगता है। तो अगर आप कभी स्वीट दे रहे हो, कभी सॉल्टी दे रहे हो, कभी, तो इस तरह से आप अलग अलग टेस्ट फूड जो है एंड इवन फूड में भी वैरायटी। तो ऐसे नहीं कि कुछ लोग मैंने देखा है सिर्फ दाल चावल दे रहे हैं या सिर्फ एप्पल दे रहे हैं या सिर्फ मतलब वो तो वही फूड कंटिन्यू दे रहे हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। तो एक फूड चार्ट होता है बच्चों का कि स्टार्टिंग में किस तरह से खाना देना है, फिर वो जब 9 मंथ के 10 मंथ के होते तब किस तरह से खाना देना है। तो वो गाइडलाइन थोड़ा फॉलो करोगे तो आपका लाइफ इजी हो जाएगा और आपका बच्चा जो है आराम से खाना खाएगा, आपको बिल्कुल परेशान नहीं करेगा। क्योंकि ये मैंने अपने बेबी के साथ किया है, मैंने रिसर्च की, मैं हमेशा स्टडी करती हूँ और उस तरह से मैं कोशिश करती हूँ कि मैं वैरायटी ऑफ फूड उसको दूँ। मैं अपने चैनल पर भी वैरायटी ऑफ फूड रेसिपीज आप लोगों के लिए ला रही हूँ। अभी बहुत सारी नहीं लाए, मैंने 3-4 फूड रेसिपीज लाए हैं, लेकिन धीरे धीरे मैं बहुत सारी फूड
रेसिपीज आप लोगों के लिए लेके आती रहूंगी, तो आप वो भी देख सकते हो और इस तरह से अलग अलग फूड अपने बच्चों को ट्राई करके दे सकते हो, तो आपका जरूर बेबी जो है खाना खाना पसंद करेगा। उसके बाद में नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कंफर्ट बेबी सिटिंग। जब आप बच्चे को खाना खिला रहे हो तो एक सही पोस्चर में बच्चों को बिठाना, एक कंफर्टेबल पे जगह पे बिठाना, चाहे बच्चों के जो टेबल्स आते हैं चेयर अवेलेबल होते हैं आप वो ला सकते हो, या घर पर भी सोफे पे या दीवार पे, तो कंफर्टेबल जगह पे आपको बच्चे को बिठाना, या नीचे भी बिठा रहे हो तो वहाँ पे उसको कंफर्टेबल वो बैठ के खा सके, ऐसे आपको बिठाना ज़रूरी है। अगर कुछ लोग लिटा के खिलाते हैं, कुछ लोग गोद में बिठा के खिलाते हैं, तो दिस इज़ नॉट राइट वे ऑफ फीडिंग बेबी। ये सही तरीका नहीं है बच्चों को खाना खिलाने का। सुला के तो बच्चों को कभी नहीं खाना खिलाना चाहिए, क्योंकि उससे गले में खाना अटकने के भी चांसेस रहते हैं और वो डाइजेशन के लिए भी अच्छा नहीं होता है सोकर खाना खाना। तो हमेशा आप बच्चे को पहले से आदत डालो कि बच्चा जो है बैठ के खाना खाए, और आप खाना इसलिए सही फॉर्म में बनाओ ताकि आप बच्चे को वो खाना खिला भी सको। अगर बहुत ज़्यादा लिक्विड फॉर्म में आपने खाना बनाया तो बैठ के बच्चा तो नहीं खा पाएगा। तो बेबी कंफर्टेबल सिटिंग भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके बाद में नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है अवॉइड डिस्ट्रैक्शन। अवॉइड डिस्ट्रैक्शन का मतलब है कि आप कोई भी डिस्ट्रैक्शन हो ऐसी चीज़ें मत करो, जैसे कि अगर घर में आपके बहुत ज़्यादा लोग हैं तो आप ऐसे क्राउड में मत बैठो बच्चे को खाना खिलाने के लिए, तो उससे क्या होगा कि बच्चे का डिस्ट्रैक्शन होगा, कोई आएगा जाएगा या कोई कुछ कर रहा है तो बच्चा इधर उधर देखेगा तो वो डिस्ट्रैक्ट होता रहेगा, वो खाना नहीं खाएगा। तो आप एक पीसफुल जगह पे या जहाँ पे ज़्यादा लोग आ जा नहीं कर रहे, क्योंकि मेरे घर पे पर्सनली ज़्यादा लोग नहीं होते हैं, तो नॉर्मली मैं, मेरा बेबी और हस्बैंड हम तीन लोग ही होते हैं तो इतना डिस्ट्रैक्शन नहीं रहता है। लेकिन कुछ लोग होते हैं जिनके जॉइंट फैमिली है या घर पर इन-लॉज है या और बच्चे हैं घर पर, तो हो सकता है कि वो बच्चे खेल रहे या कोई आ जा रहा है तो बच्चों को डिस्ट्रैक्शन होता है, तो वो डिस्ट्रैक्शन भी आपको थोड़ा कम करना ज़रूरी है। इसलिए नॉर्मली बड़े लोग कहते हैं कि बच्चे को अलग से खाना खिलाओ ताकि बच्चे का थोड़ा कॉन्सेंट्रेशन रहता है, तो वो खाना भी खाने में कॉन्सेंट्रेट हो जाता है। इसके अलावा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बताऊँगी वो है कि एंगेज योर चाइल्ड वाइल ईटिंग। अब एंगेज करना मतलब मोबाइल और टीवी बिल्कुल नहीं आपको देना है बच्चों को, क्योंकि बहुत लोग मोबाइल देते हैं, मुझे पता है, क्योंकि बच्चा जब नहीं खाता है तो हमें लगता है कि चलो देख ले मोबाइल, लेकिन खाना तो खा ले वो, लेकिन इससे क्या होता है फिर वो बच्चों को आदत लग जाती है मोबाइल देख के खाना खाने की। इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप ट्राई कर सकते हो, जो आप कर सकते हो, जो पर्सनली मैं अपने बेबी को खाना खिलाते टाइम करती हूँ। सबसे पहली चीज़ है आप बात करो, आप अपने बच्चे के साथ बात करते रहो तो आपका बच्चा आपको सुनता रहेगा और वो खाता रहेगा। अगर आप बात नहीं करना चाह रहे हो तो आप अपने बच्चे को स्टोरी सुना सकते हो, तो आप कोई स्टोरी सुनाओ, कहानी सुनाओ, तो बच्चे उसमें एंगेज हो जाते हैं आपके बातों में, आप जो बोल रहे हो उस पर उनका ध्यान चला जाता है और फिर वो खाना खाने लगते हैं, तो उनका डिस्ट्रैक्शन जो है वो नहीं होता है। इसके अलावा मैं उसके लिए गाने गाती हूँ, तो जो बच्चों के गाने होते हैं, किड्स सॉन्ग्स होते हैं या मूवी के गाने, तो आप गाना भी गा सकते हो अपने बच्चों के लिए, तो वो उसमें बिजी हो जाते हैं। तो डिपेंड करता है कि कौन से बच्चे को क्या अच्छा लगता है। कभी कभी मेरा बच्चा गाना में गाऊँ तो भी वो नहीं उसका ध्यान होता है, तो फिर मैं उसको स्टोरी बताने लगती हूँ या मैं उसके साथ सिर्फ बात करने लगती हूँ, तो वो भी कुछ अभी थोड़ा थोड़ा बोल रहा है तो वो फिर रिएक्ट करने लगता है, तो उसके साथ उसमें वो बिजी हो जाता है और वो खाना खाने लगता है। इसके अलावा आप अपने बच्चे को टॉयज़ दे सकते हो। अब जो टॉयज़ में आपको एक ट्रिक बताऊंगी कि कुछ टॉयज़ आप उसके ऐसे अलग से रखो जो आप उसको सिर्फ खाना खिलाते टाइम दो, जो मैं पर्सनली करती हूँ, क्योंकि नॉर्मल टॉयज़ के साथ वो खेल रहा है तो वो इतना इंटरेस्ट नहीं दिखाते हैं, लेकिन जो मैं अलग से तीन चार उसके टॉयज़ रखे जो मैं सिर्फ खाना खिलाते टाइम उसको खेलने के लिए देती हूँ, तो वो उसमें थोड़ा बिजी हो जाता है खेलने में और वो फिर उसका ध्यान उसमें खेलने में लगता है और वो खाना खाता रहता है। तो आप ये चीज़ भी ट्राई आउट कर सकते हो अपने बेबी के साथ। इसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं बताऊंगी, एक कॉमन प्रैक्टिस होती है, क्योंकि 6 महीने तक जो है आपके बच्चे को मिल्क पीने की आदत है और कुछ पेरेंट्स को नहीं पता चलता है या इग्नोर हो जाता है, निग्लेक्ट हो जाता है उनकी तरफ से कि बच्चे का सही टाइम आता है सॉलिड का, तो उनको रिक्वायर्ड क्वान्टिटी ऑफ सॉलिड्स देना और स्टार्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि एक टाइम होता है उस टाइम में बच्चे बहुत जल्दी ग्रास्प कर लेते हैं, अगर वो टाइम निकल जाता है और आप फिर भी उनको मिल्क ही दे रहे हो, ज़्यादा बॉटल फीड कर रहे हो या ब्रेस्ट फीड कर रहे हो, आप उनको जब भी रो रहे हैं तो आप मिल्क दे रहे हो, रो रहे हैं तो मिल्क दे रहे हो, तो उससे क्या होता है फिर बच्चों को आदत पड़ जाती है, फिर वो सॉलिड्स लेना ही नहीं पसंद करते हैं। तो इसलिए राइट टाइम पे आपको सॉलिड स्टार्ट करना और फिर एज के हिसाब से सॉलिड्स का जो कंटेंट क्वांटिटी है और उसका जो क्या बोलते हैं फ्रीक्वेंसी है वो भी बढ़ाना आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो
बच्चों को आदत लग जाती है उस हिसाब से कि हमें हाँ इस टाइम पे हमें खाना है, तो ये होता है कि तब आपको मिल्क का क्वांटिटी कम करना है और जितना रिक्वायर्ड है उतना ही मिल्क क्वांटिटी देना है, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट आपको बाकी टाइम पे सॉलिड्स ही देने हैं अपने बेबी को, तो एक आदत लग जाएगी तो आपका बच्चा ज़रूर खाना खाएगा। और एंड में मैं बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बताऊँगी, वो है फॉलो बेबी टाइमिंग्स, यानी कि आप बच्चों का जो टाइमिंग है वो फॉलो करो। बच्चों का जो खाने के मतलब अराउंड टाइमिंग होता है, तो फिक्स ऐसे नहीं बोल सकते कि 9 बजे खाना देना ही है, थोड़ा इधर उधर होता है, 9 का 9:30 हो जाएगा, लेकिन जो उसका मॉर्निंग टाइम है, जो उसका लंच टाइम है, जो उसका इवनिंग स्नैक टाइम है, डिनर टाइम है, ये टाइम आपको फॉलो करना है। बच्चों को टाइमिंग फॉलो करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, अगर उनका टाइमिंग डिस्टर्ब हो गया तो फिर वो आपकी परेशानी बढ़ा देगा और वो आपको फिर जब बच्चा रोएगा तो आपको अंडरस्टैंड करने में मुश्किल होगी कि आपका बच्चा अब क्यों रो रहा है। तो इसलिए एक टाइमिंग होता है, एक पैटर्न होता है जो सर्टन एज के बाद चेंज होता रहता है बच्चों का। जब बच्चे 3 महीने के हैं तब तक अलग रहता है, 6 महीने के बच्चों का अलग रहता है, 9 महीने के बच्चों का अलग रहता है, ऐसे टाइमिंग और उसका पैटर्न जो है वो चेंज होता रहता है, तो वो आपको फॉलो करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एंड ट्रस्ट मी, अगर आप ये सारे पॉइंट्स ध्यान में रखोगे, आपके बेबी में फूड में वैरायटी लाओगे, सही फॉर्म में खाना खिलाओगे, ये सारे पॉइंट्स आप अच्छे से एक बार चेक कर लो अपने बेबी के लिए। अगर आपका बेबी खाना नहीं खाता है तो आपका बेबी ज़रूर खाना खाएगा और उसका टाइमिंग फॉलो करो। अगर आपका बेबी अभी 6 महीने से छोटा है और आप उसके लिए सॉलिड स्टार्ट करने वाले हो, तो ये पॉइंट्स ज़रूर ध्यान में रखो और उस हिसाब से अपने बच्चे को सॉलिड जो है स्टार्ट करो। तो आई होप आपको ये वीडियो यूज़फुल लगा होगा और इससे कहीं आपके अगर हेल्प हो रही है तो ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा मतलब ये मेरे वीडियो का पर्पज़ है कि ये वीडियो कहीं ना कहीं आपको हेल्प करे। और अगर मेरे इस वीडियो से आपको हेल्प हो रही है तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए, मेरे वीडियो को लाइक कीजिए अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लगा, हेल्पफुल लगा, अच्छा लगा है। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, ऐसे ही और बहुत सारे वीडियोज़ मेरे चैनल ममाज़ वर्ल्ड पे देखने के लिए सब्सक्राइब करने के बाद में बेल का आइकन आएगा उसको हिट कीजिए तो आपको टाइमली नोटिफिकेशंस मिलेंगे। आप मुझे फेसबुक इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं रेगुलर अपडेट्स के लिए। तो देखते रहिए ममाज़ वर्ल्ड, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग ममाज़ वर्ल्ड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।